हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लाइट चैप्टर का, वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार पूछा भी गया है और एग्ज़ाम में आने की इसकी संभावना पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझना क्या है ये देखिए एक बार। ए फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप, ऐसा फॉर्मूला जो रिलेशनशिप देता है, किस किस के बीच रिलेशनशिप देता है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V और U के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में क्या दे रहा है, रिलेशनशिप दे रहा है। तो रिलेशनशिप बता रहा है किस किस के बीच में, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, उसको अपन कहते हैं मिरर फॉर्मूला। अब ये क्या रिलेशनशिप बताता है वो आप देखिए एक बार। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। यू क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ मिरर, जो मिरर की इमेज बन रही है उससे जो डिस्टेंस आ रही है वो डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ एफ, इसके बारे में बता रहा है। और रिलेशन क्या है, 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे एक स्फेरिकल मिरर से, स्फेरिकल मिरर से हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे इसका। आप क्या समझेंगे, प्रूव समझेंगे, किससे, एक स्फेरिकल मिरर से अपन इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, वो आप देखिएगा कैसे प्रूव होता है, इस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होता है, इस पर आप लोग डिस्कस कीजिएगा, देखते हैं। ये अपन ने यहाँ पे कोई स्फेरिकल मिरर लगा दिया, इस स्फेरिकल मिरर के लिए अपन ने ऑब्जेक्ट लिख लिया PQ। इस ऑब्जेक्ट से जैसे ही आप मिरर में देखेंगे तो मिरर में देखने के बाद इमेज बनेगी, जैसे आप खुद को देखते हो ना मिरर में, खड़े हो जाते हो तो इमेज बनती है, तो वही इमेज बनेगी PQ की। तो अपन ने इमेज मान ली P' और Q'। तो यहाँ से क्या हुआ, आपने इसमें देखा मिरर में और जो इमेज बनी वो बनी P' और Q'। अब अपन बात करेंगे इसमें, आप देखिएगा ट्राइंगल PQF और MOF। तो पी क्यू और एफ, एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया यहाँ पे, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है MO और F ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। तो OM बराबर, तो OM जो है, ये वाला OM जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, PQ के बराबर हो जाएगा, OM/PQ। तो OM/PQ बराबर OF/PF, ये मिड पॉइंट है। तो अपन क्या लिखेंगे, OF/PF। अब OF की जो डिस्टेंस है, ये वाला पार्ट जो OF की डिस्टेंस आ रही है और आपका C, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया C। PF कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, A माइनस C। तो आपकी डिस्टेंस सबसे पहले ये OF, तो OF कितना हो रहा है, OF आपका हो रहा है C, और PF कितना हो रहा है, A माइनस C। अब आप देखेंगे P'Q' बराबर OM, जो ये P'Q' है ये OM के बराबर है, तो हम OM की जगह क्या लिख सकते हैं, हम OM की जगह लिख सकते हैं P'Q' / PQ। तो हमने OM की जगह P'Q' लिखा, तो ये हो जाएगा आपका P'Q' / PQ बराबर C/A-C, इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 बता दिया आपको। अब बात करेंगे बचे हुए दो ट्राइंगल की, OLF ये वाला ट्राइंगल तीसरा, और P'Q' / F ये फोर्थ वाला, आमने सामने वाले ये दोनों। अब इनको जब आप कंपेयर करेंगे तो OL बराबर P', जो ये OL है इसके बराबर क्या हो जाएगा, P'Q' हो जाएगा, तो OL/P'Q'। तो OF बराबर P'F, मिड पॉइंट है, तो OF बराबर क्या हो जाएगा, P'F हो जाएगा। इसी तरीके से OF की जगह आप क्या लिख दोगे, C, और P'F की जगह आप क्या लिख दोगे, B-C। तो OL/PQ, तो OL/PQ हो जाएगा, तो क्या हो गया, PQ/P'Q'। तो PQ/PQ'P'Q' बराबर C/B-C, C/B-C। तो हमने क्या किया, हमने रिलेशन निकाला किसके बीच में, P'Q' बराबर P'Q' / PQ इक्वल टू C/A-C, और PQ/P'Q' बराबर C/B-C, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या किया, रिलेशन निकाल लिया। अब इस रिलेशन को अपन क्या करेंगे, इस रिलेशन को यूज़ करेंगे किसके लिए, डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए।
अब आप रिलेशन देखिएगा इसमें रिलेशन कैसे बन रहा है। इक्वेशन देखिए पी डैश क्यू डैश, अब आपकी एक इक्वेशन आ रही है पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू बराबर सी अपॉन ए माइनस सी, सी अपॉन ए माइनस सी, और दूसरी है पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन सी। तो अब रेसिप्रोकल करने के बाद अपन इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए आप, ए माइनस सी बी माइनस सी इक्वल टू सी स्क्वायर, ए माइनस सी और बी माइनस सी इक्वल टू सी स्क्वायर। ए को इससे मल्टीप्लाई किया ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखें आप, अब आप देखिएगा ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस का सी स्क्वायर बराबर जीरो, इससे ये कैंसिल, इक्वेशन क्या हो गई ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी बराबर जीरो। तो अब इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में आप डिवाइड कर देंगे ए बी सी का। तो ए बी सी ए बी सी और ए बी सी, तो पहले डिवाइड करेंगे आप, देखिए किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो ये ए बी से क्या बच जाएगा, ये ए बी से आपका ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा और बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू जीरो, ये बच जाएगा। अब आप देखिए अब इक्वेशन को, इसको वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू जीरो, इसको सीक्वेंस में जमा लिया मैंने, माइनस का वन अपॉन ए माइनस का वन अपॉन बी प्लस का वन अपॉन सी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाए, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन सी इक्वल टू जीरो। तो वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी बराबर वन अपॉन सी, तो ए बी और सी, तो वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, देखिए आप वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन एफ। तो ये रिलेशन आ गया आपका, ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला कंप्लीट। अपन ने क्या पढ़ लिया, मिरर फॉर्मूला, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए।